दोस्तों अब तक हम लोगों ने यहाँ पे क्लास नाइन्थ के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है नंबर सिस्टम उसको बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल क्या होता है, ई रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, तथा हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ सीखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6 का टोटल सॉल्यूशन यहां पर करवा रखा है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास नाइन्थ के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसके नाम सुनते ही डर जाते हैं, बाप रे ये तो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखते हैं तो आज के बाद आपका पॉलिनोमियल्स का ये डर खत्म हो जाएगा और आप लाइफ में कभी भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट आज देख लेते हैं कि आज के एजेंडा क्या है हमारा, आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये डिफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट, फिर वेरिएबल्स, फिर एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड लास्ट में हम लोग कुछ सवाल भी करने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए फटाफट आप लोग सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक ऑटोमेटिक पहुंचता रहे। साथ में रुक कर पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्लास की ओर, लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं अजय भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग आई क्यू। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। तो यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल्स के हिंदी की बात करें तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहा जाता है और इसके हिंदी नाम से अगर मैं इसके शब्दार्थ का निचोड़ निकालूं तो देखो यहाँ पर इसे मैं तोड़ सकता हूँ बहु प्लस पद। ये बहू कहीं आप लोग अपने पड़ोसन वाली बहू या घर की बहू या सास बहू वाली बहू मत समझ लेना, यह बहू है आपके एक वचन और बहुवचन वाली बहू जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है ना, एक अगर हो तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, एक से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो ये वही बहू है एक से ज़्यादा वाला। तो एक से ज़्यादा क्या, तो पद। अब ये पद क्या होते हैं, तो पद आपका कहीं आप ये मत समझ लेना कि ये प्रधानमंत्री वाला पद है या पोस्ट है या राष्ट्रपति का पद है या कोई सरकारी ऑफिसर का पद है। यह पद इस पॉलिनोमियल्स के टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल्स के पार्ट है, इस पॉलिनोमियल्स के अंश है, इसे टुकड़ा कहा जाता है, अंश कहा जाता है, पार्ट कहा जाता है। तो यह पद का मतलब हुआ टर्म, पार्ट्स या टुकड़ा। अब यहां पर हम लोग अगर इसके पूरे निचोड़ को देखें तो हम लोग कह सकते हैं एक से ज्यादा टुकड़े वाले इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब ये पॉलिनोमियल्स में ये पद क्या होते हैं उसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर अगर एक हमारा एक इक्वेशन दिया गया 3x + 2, इस इक्वेशन में पूछा कोई कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं तो हम लोग सीधे कहेंगे ये 3x एक टर्म और ये 2 दूसरा टर्म। ठीक है, मतलब ये 3x है सो पहला टर्म है और 2 है सो दूसरा टर्म है। ऐसे अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं 5x² + 3x + 4, तो इस पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हैं टोटल, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये 5x² फर्स्ट टर्म है, 3x सेकेंड टर्म है एंड ये 4 थर्ड टर्म है, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स में टोटल 3 टर्म है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये बताओ कि अगर ये 4x / 5 रहे तो इसमें कितने पॉलिनोमियल्स हैं सोचो, तो आप लोग क्या बोलोगे, 2? नहीं, 2 बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये याद रखना कि डिवाइड और मल्टीप्लाई कभी भी हमारे पॉलिनोमियल्स को स्प्लिट नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ प्लस और माइनस का साइन ही स्प्लिट करता है हमारे पॉलिनोमियल्स को, यानी कि प्लस और माइनस ही है सो बहुत सारे टर्म में बांटता है हमारे पॉलिनोमियल्स को, ये चीज़ ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पर लूँ 8x² × b, तो आप लोग इसे क्या कहोगे, इसमें कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल्स में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है मतलब कि वो पॉलिनोमियल्स को स्प्लिट नहीं करता है, इसीलिए ये ओनली 1 टर्म्स है इसमें। ठीक है, अब आगे देखो आप लोग एक एग्जांपल 3x²
4BAC इस पॉलीनोमियल्स में कितने टर्म्स है ये देखो। तो आप लोग कहोगे कि सर ये डिवाइड का साइन है, और डिवाइड का साइन कभी भी हमारे पॉलीनोमियल्स को स्पिल्ट नहीं करता, इसीलिए ये सिर्फ वन टर्म है इस पॉलीनोमियल्स का। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल 4x³ + 3x² + 4x + 9। अब इस पॉलीनोमियल्स में कितने टर्म है टोटल, तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ देखो एक प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, मतलब कि इस पॉलीनोमियल्स को ये एक टुकड़े में बांटा, ये दो टुकड़े में, ये तीन टुकड़े में, और ये चार टुकड़े में, यानी कि इस पॉलीनोमियल्स में टोटल चार टर्म है, चार पद है, चार आंसर, चार टुकड़े हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक आप लोगों ने सीखा कि टर्म क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट की, वेरिएबल्स की। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, आप लोग इसे स्टोरी की तरह समझो। तो अगर मैं कहानी की यहाँ बात करूँ तो आपके स्कूल की बात करना चाहता हूँ। आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि बचपन से आपके साथ होंगे, आपके साथ पले बड़े होंगे, आपके साथ खेल कूद रहे होंगे, और हर सिचुएशन में आज भी आपके साथ होंगे वो। यानी कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि हर मुश्किल की घड़ी आपके साथ हैं, कभी भी वो आपका साथ नहीं छोड़ते, यानी कि वो दोस्त हैं सो कांस्टेंट होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। सेम यहां भी इस पॉलीनोमियल्स में भी एक ऐसा टर्म होता है जो कि कभी नहीं बदलते, वो कांस्टेंट रहते हैं, तो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि अचर कहते हैं, यानी कि वैसी राशि जो कि कभी ना बदलती हो। तो यहां पर देखो इसमें कांस्टेंट ये 3 है, ये 2 है, ये 3x + 2, यानी कि ये 3 और 2, ये 3 और 2, मतलब ये 3 यहाँ रांची में भी 3 ही रहेगा, अगर हम दिल्ली चले जाए दिल्ली में भी 3 होगा, केरला में भी 3 होगा, अमेरिका में भी 3 होगा, चाइना में भी 3 होगा, मतलब ये जो 3 रियल नंबर है वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, ये हमेशा वही रहने वाले हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म लेते हैं, ऐसा टर्म जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे, जो डेफिनेट रहे, कभी ना चेंज हो, तो ये हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि सिर्फ मतलब के यार होते हैं, यानी कि जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो हमारे पास आते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर निकल लेते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हम उसके पास जाते हैं, तो वे बहाना बनाना स्टार्ट कर देते, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा आज मीटिंग है, तो कॉल हमारा पिक नहीं करते, हमारा मैसेज तक नहीं देखते हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है तभी वो मेरे पास आते हैं। तो ऐसा दोस्त सेम यहाँ पर भी है पॉलीनोमियल्स में, जिसे हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स कहेंगे, यानी कि वेरिएबल्स वैसा राशि है, इसे हम लोग चर कहते हैं हिंदी में, एक ऐसा राशि है जिसका वैल्यू हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेंगे। तो सेम ऐसा ही दोस्त यहाँ पर देखिए, ये एक्स है, ये एक्स आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में आपको पता है कि टोटल 26 डिजिट होते हैं, और 26 मतलब ए से जेड तक। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि अल्फ़ाबेट ही लिखना है हमें वेरिएबल्स में, लेकिन हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर में आप लोग नहीं लिख सकते वेरिएबल्स को, हमेशा आप लोग स्मॉल लेटर में ही लिखना, समझ पा रहे होगे आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये पॉलीनोमियल्स है, पॉलीनोमियल्स का जो पावर होता है, पावर का कहने का मतलब कि ये देखिए आप लोग यहाँ पर जो एक एग्जांपल था 4x³ पावर, ये देखिए 4x का पावर क्यू है, ये इसे एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलीनोमियल्स भी कहा जाता है। तो ये जो पावर है ना वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जब भी हम पॉलीनोमियल्स लिखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा वाला पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं, जैसे ये 4x³ है +2x + x² + 9 अगर दे दिया जाए, तो हम लोग पावर के अकॉर्डिंग उसे पहले सिस्मैटिक ढंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तभी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल्स कहलाएगा। तो ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4x³ + x² + 2x + 9 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये पावर, तो ये पावर हमेशा नॉन निगेटिव होता है, यानी कि कभी भी ये पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, जैसे ही वो निगेटिव में आता है, जैसे 5x⁻³, ये हम लोग कभी भी पॉलीनोमियल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका पावर है सो निगेटिव में आ गया, हमें पावर हमेशा नॉन निगेटिव में रखना है, ओके।
तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरह से पॉलीनोमियल्स को सीख लिया और पॉलीनोमियल्स के पूरे निचोड़ को हम लोगों ने अपने हथेली पर ले आया। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स में टर्म्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलीनोमियल्स क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बताया था आप लोगों को कि जब भी पॉलीनोमियल्स को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल्स कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं डिफिनेशन की और पॉलीनोमियल्स के डिफिनेशन को समझते हैं। इसके तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे पॉलीनोमियल्स में जो कुछ भी पढ़ा उसको मैं एक लाइन में उतार दिया हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर, अब पॉलीनोमियल्स कैन हैव टर्म्स, मतलब कि पॉलीनोमियल्स के पास टर्म्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं और वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन से डिवाइड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन में टोटल तीन टर्म है, मतलब टर्म है यहाँ पर, और हम लोग देख सकते हैं कि ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर है, तो रियल नंबर कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट भी है। और हम आगे देखते हैं तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, एक्स इज द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, तो x यहां पर वेरिएबल है और x का पावर 2 यानी कि x का घात जो है वो 2 है, यानी कि x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, मतलब एक्सपोनेंट पावर और घात तीनों एक ही चीज होते हैं, तो ये एक्सपोनेंट भी इसमें मौजूद है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक हमारा पॉलीनोमियल्स है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या था कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है सो पॉजिटिव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीनोमियल्स ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलीनोमियल्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोगों ने पॉलीनोमियल्स को जो पढ़ा उसे हम लोग जब ध्यान से देखा तो हम लोगों ने देखा कि पॉलीनोमियल्स के अलग अलग भाग हो सकते हैं। तो हम लोगों ने पॉलीनोमियल्स को टोटल तीन भागों में बांटा। ये तीन भाग आपका ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स है, आगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द पावर के अकॉर्डिंग भी पॉलीनोमियल्स को बांटेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पॉलीनोमियल्स का टाइप्स है वो है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब, ये मोनो का मतलब आप लोग जानते हो, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब कि एक पद वाले, एक पद वाले को हम लोग कहते हैं मोनोमियल, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो सिर्फ एक पद है, इसमें कोई एडिशन का साइन नहीं है। यानी कि ये तो मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि ये देखिए जब भी कोई डिजिट के साथ कोई अल्फ़ाबेट यानी कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो वो एक ही टर्म कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4x एक टर्म है, 9 भी एक अलग टर्म है, 4x का पावर 4 भी एक अलग टर्म है, मतलब कि ये तीनों जो एग्जांपल दिए गए हैं वो हमारे मोनोमियल्स के एग्जांपल हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद दिए रहेंगे। अब देखिए सेकेंड में है बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स का मतलब होता है, बाई का मतलब ये होता है टू, बाई का मतलब होता है टू, बायोनोमियल जिसे हिंदी में द्विपद कहते हैं, यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, सिर्फ दो टर्म हो उसे हम लोग बायोनोमियल्स कहेंगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल एक्स का पावर 2 प्लस 5, मतलब एक्स का पावर 2 ये एक टर्म हुआ और ये 5 दूसरा टर्म, मतलब इस इक्वेशन में टोटल दो टर्म है। उसी प्रकार इस इक्वेशन में टोटल दो टर्म है, उसी प्रकार इस इक्वेशन में भी दो टर्म है। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड में जो है वो ट्रीनोमियल्स है, इसका हिंदी त्रिपद होता है, यानी कि वैसा इक्वेशन जिसमें टोटल तीन टर्म हो, तीन टर्म। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं 4 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन में टोटल तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, सेकेंड एक्स है एंड फोर्थ हमारा एक्स स्क्वायर है। वैसे ही आगे वाला इक्वेशन हम देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें भी हमारा तीन टर्म है, इसमें भी हमारा तीन टर्म है, तो यहाँ पर ये ट्राइनोमियल भी हमारा एक पॉलीनोमियल्स है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मोनोमियल्स है सो हमारा पॉलीनोमियल्स में नहीं आता है, क्योंकि पॉलीनोमियल्स का जो एग्जाम डिफिनेशन है, डिफिनेशन यह है कि इसमें एक से ज़्यादा पद होना चाहिए, इसीलिए इसमें तो सिर्फ एक पद है, इसीलिए हम लोग इसे पॉलीनोमियल से बाहर निकालते हैं और हमारे पास बायनोमियल्स एंड ट्रीनोमियल्स रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलीनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर। जब दोबारा हम लोगों ने पॉलीनोमियल्स के एग्जांपल को देखा तो देखा कि पॉलीनोमियल्स में तो टर्म्स होते ही होते हैं, उसके साथ साथ एक्सपोनेंट भी होते हैं। तो हम लोगों ने पिछला जो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो इसका डिवीजन किया था, अब हम लोगों ने इसके पावर के अकॉर्डिंग डिवीजन किया, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टोटल तीन डिवीजन होते हैं। पहला है हमारा लीनियर रैखिक, या लीनियर रैखिक मतलब कि सिंगल लाइन, इसका मतलब ही होता है कि इसमें जो पावर है वो हमेशा 1 रहेंगे, यानी कि पॉलीनोमियल्स के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के पावर हमेशा 1 होने चाहिए। जब 1 होंगे तो वैसे इक्वेशन को हम लोग पॉलीनोमियल्स
का लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ 5x प्लस 9 एग्जाम्पल में है और यहाँ x का पावर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 1 है, इसी तरह यहाँ पे 2y प्लस रूट 5, यहाँ y का पावर 1 है एंड 9z पावर 1 है। इसीलिए ये तीनों इक्वेशन हमारा लीनियर यानी कि रैखिक इक्वेशन में आ जाता है। अब हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड, क्वाड का मतलब ये होता है दो, मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसका जो मैक्सिमम घात होगा वो दो होगा। घात मतलब एक्सपोनेंट या पावर, मैं बताया था। तो मतलब एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे ये 4x स्क्वायर प्लस 16, तो इसमें जो मैक्सिमम घात है वो 2 होना चाहिए। जब 2 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अगर 1 रहेगा तो वो लीनियर कहलाएगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखिए 4x स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल्स है वो x है और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसीलिए यह इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। अब आगे देखिए आप लोग 6x स्क्वायर प्लस रूट 7x, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, वेरिएबल्स यहाँ पर 2 है लेकिन जो मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशन में वो 2 है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखो आप लोग क्यूबिक, क्यूबिक यानी त्रिघाती, मतलब जो मैक्सिमम पावर होगा इक्वेशन में वो हमेशा 3 होगा। किसका पावर? तो वेरिएबल्स का पावर। तो यहाँ पर देखो आप लोग 8x का पावर क्यू माइनस एक्स, मतलब कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स में यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा 3 है। तो मैं बताया कि जिसका मतलब मैक्सिमम पावर 3 होगा वो हमारा क्यूबिक में चला जाएगा। ऐसे ही 9x का पावर क्यू माइनस पाई, मतलब यहाँ पर भी आप लोग देखो ये पावर मैक्सिमम पावर क्यू है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 2x का क्यू, 2x टू द पावर क्यू प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 6x प्लस रूट 3, मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप लोग देखो यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल्स हैं x का, x क्यू, x स्क्वायर, x। तो मैक्सिमम जो पावर है इस इक्वेशन में वो है हमारा 3, इसीलिए यह क्यूबिक में चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसमें जितने भी कांस्टेंट दिए हुए हैं सारे कांस्टेंट को जीरो कर देते हैं, यानी कि इस टर्म में अगर हमारा 2 के जगह पे 0 हो जाए और ये वेरिएबल्स को हम वैसे ही लिखते हैं, 4 की जगह पे 0 होता है, वेरिएबल्स को वैसे ही लिखो आप लोग, ये 0x प्लस रूट 3 की जगह 0। तो यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, मतलब ये पॉलिनोमियल्स 0 पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका वैल्यू 0 हो वो 0 पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 0 का जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा, यानी कि 0 पॉलिनोमियल्स का जो मैक्सिमम घात होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 0 का मैक्सिमम पावर नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता कि 0 का कोई पावर होगा। आइए अब कुछ और बातें सीखते हैं, थोड़ी बहुत और बातें रह गई है, वो बातें कर लेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स से कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे कोई भी इक्वेशन के वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ 2a-4, इसे आप देखकर बता सकते हो कि यह बाइनोमियल्स इक्वेशन है। इतना तो आप समझदार हो ही गए हो कि आप देखकर कोई भी इक्वेशन को बता सकते हो वो बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है या मोनोमियल्स है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये x नहीं ये a होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे 0 बनाने का कोशिश करेंगे और जब यह वैल्यू 0 हो जाएगा तो वही हमारा a का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम a इक्वल टू अगर 2 पुट करें, a इक्वल टू पुट करें 2, तो f2 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, यानी कि 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं a का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 27 है। तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा इस इक्वेशन का। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ एक फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स रहेगा फंक्शन के ब्रैकेट में वही वेरिएबल्स यहाँ रहेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 27 है और ये 3 × x^2 है, तो ये x^2 के जगह अगर 9 आ जाए तो हम आराम से 9 × 27 − 27 यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन ऑफ 3, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 3 × 3² − 27, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, 27 − 27 यानी कि 0। तो ये जो 3 है और यहाँ जो 2 है ये कहलाते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ एन इक्वेशन।
तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 जिसके पुट करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, और इस इक्वेशन में x a इक्वल टू 2 जिसका वैल्यू पुट करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का a इक्वल टू 2 एंड इस इक्वेशन का x इक्वल टू 3 है, सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स है इस इक्वेशन का एंड इस इक्वेशन का। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमें जितना बेसिक चीज़ इस टॉपिक में सीखना था वो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर, इससे रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल जो कि बोर्ड पर है। पहला सवाल हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। मतलब कि यहाँ पर टोटल 5 वेरिएबल्स दिए गए ए बी सी डी ई, इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वन वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर ए 4x² - 3x + 7 हमारा एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में हमारा जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में बताया था ऐसे दोस्त जो हमारे लाइफ में चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, वैसे दोस्त वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो मैं बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट होते हैं और अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पर आप देखो इस एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो एक्स है। तो ये एक्स यहाँ पर वेरिएबल्स है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल्स इस एक्सप्रेशन में है, इसीलिए हम कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है। अब आगे बढ़िए आप लोग बी की तरफ। बी में देखो आप लोग हमारा एक्सप्रेशन है y² + √2। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल्स है, जो अल्फ़ाबेट है, वो सिर्फ y है, और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल एक ही वेरिएबल्स है। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि इसमें भी एक एक्सप्रेशन, मतलब एक वेरिएबल यूज हो रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 3√t + √2 × √2। तो ये √t है, यहाँ पे वन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, लेकिन ये √t होने के कारण यह जो एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि मैं बताया था एक्सपोनेंट है सो वो नॉन पॉजिटिव होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, और हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे टी का पावर ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर हो जाता है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल्स में नहीं आता, इसीलिए इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब देखो आप लोग यहाँ अगर इसे सॉल्व करोगे y + 2/y, तो इसे आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 2y⁻¹। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट है y का वो भी हमारा निगेटिव टर्म में आ जाता है, और मैं बताया था कि वेरिएबल्स का जो पावर है वो हमेशा आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव आया, इसीलिए d भी हमारा पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा जो e है उसे देखिए, x⁻¹ + y⁻³ + t⁻¹। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 3 अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, यानी कि 3 वेरिएबल्स इस इक्वेशन में यूज हुए हैं। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा नॉन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि टोटल 2 ही एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन नंबर ए और बी, ये 2 एक्सप्रेशन है जो कि जिनमें सिर्फ 1 वेरिएबल्स पाया गया, और सी एंड डी हमारा पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन है ही नहीं, और ई है हमारा पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट द कोफिशियंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें x² का कोफिशियंट निकालना है इन 4 एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले हम लोग ये कोफिशियंट को देख लेते हैं, मैं शायद बताना भूल गया था। तो देखिए, आपको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स दिए रहते हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं ax² + bx + c, यह एक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है जिसमें जो अल्फ़ाबेट है वो हमारा वेरिएबल्स होते हैं, और ये मान लीजिए ए बी सी आर रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर है ये, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ए बी सी को कह सकते हैं कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट दिया रहता है जिसके साथ में मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स है, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं 4x² + 2x + 6। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ कहाँ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स एक x² और एक x, तो इन वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई में जो डिजिट या जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए जाते हैं उसे ही हम लोग कोफिशियंट कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मतलब कि वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 6 को देखें तो 6 के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, इसीलिए आप लोग इसे
कोफिशियंट नहीं कह सकते बिकॉज यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स मौजूद नहीं है। और अगर आप लोग देखो यहाँ पर वेरिएबल्स की अगर बात करें और कोफिशियंट की, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोफिशियंट हमेशा है सो वेरिएबल से पहले आएगा। कहीं भी आप मैथ में देख लोगे पॉलिनोमियल्स टॉपिक में तो ये जो 4 है वो एक्स स्क्वायर के पहले ही आएगा, मतलब कोफिशियंट है सो हमेशा वेरिएबल्स के पहले लिखे जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं उस एक्सप्रेशन में हमें पता करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या होगा। तो इस इक्वेशन में आप लोग इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है हमारा, तो इस एक्स स्क्वायर के पास देखते हैं कितने कोफिशियंट है। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे है, आगे में कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है या कोई भी यहाँ पर रियल नंबर नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ कुछ भी नहीं होता है उसके आगे 1 छुपा रहता है, 1 मल्टीप्लाई में छुपा रहता है, मतलब ये 1 इंटू एक्स करेंगे तो ये एक्स ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे जो कोफिशियंट होगा एक्स स्क्वायर का वो हो जाएगा 1। अब आगे देखिए, ये सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन में हमारा जो सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन है ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन आपको छोड़ना नहीं है, माइनस का साइन साथ में लेके चलना है। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर के आगे अगर हम लोग कॉन्स्टेंट लगाएं तो हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लो ये वेरिएबल्स आ गया और यह हमारा कॉन्स्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोफिशियंट होगा वो एक्स स्क्वायर का माइनस 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये थर्ड नंबर एक्सप्रेशन में देखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ पाई बाई 2 है और आगे में प्लस है, तो इसे आप प्लस ऐसे भी लिख सकते हो प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, और इस प्लस को नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए बात बराबर है, लेकिन माइनस लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसे आप ऐसे लिखोगे पाई बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये जो वेरिएबल्स है उसके साथ जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है वह है पाई बाई 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट आएगा वो होगा पाई बाई 2। ऐसे ही फोर्थ नंबर एक्सप्रेशन में देखोगे आप तो यहाँ पर प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स है, मतलब अंडर रूट 2 एक्स, तो यहाँ पर एक्स है या एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर होगा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसे कहोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ये अंडर रूट 2 है। ये चीज़ ध्यान रखना पीछे वाला सवाल में, अगर ये अंडर रूट एक्स है किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल्स का पार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी कॉन्स्टेंट है सो अंडर रूट के अंदर में रहेगा तो वो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको देखकर ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल्स अंडर रूट के अंदर हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, बट बिफोर डैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ नंबर सवाल को एक बार डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर सवाल में जो मैं यहाँ स्क्वायर लगा दिया था वो गलत था, सवाल हमारा एक्चुअल में यही है अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा गया है, तो इसमें हम देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में कि एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल्स ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशियंट नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ नंबर सवाल को एक बार डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर सवाल में जो मैं यहाँ स्क्वायर लगा दिया था वो गलत था, सवाल हमारा एक्चुअल में यही है अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा गया है, तो इसमें हम देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में कि एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल्स ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशियंट नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 0 लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मतलब कि यहाँ पे हमें एग्जांपल देना है किसका,
बाइनोमियल्स का जिसका डिग्री 35 हो और एक देना है मोनोमियल्स का जिसका डिग्री 100 हो। तो एक एग्जांपल पूछा गया, ईच गिव वन एग्जांपल ईच। तो हम एक एग्जांपल के हम लोग सैकड़ों एग्जांपल लिख सकते हैं। अब जो हम लोग बेसिक पढ़ा है उससे हम लोग अब बाइनोमियल्स का मोनोमियल्स का सैकड़ों एग्जांपल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइनोमियल्स, बाइनोमियल जिसका डिग्री होगा, डिग्री कितना होना चाहिए 35। इसका एक्सप्रेशन आप लोग लिखो। सपोज करो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ एक्स का पावर 35 और हमारे पास दो ही टर्म होने चाहिए ना, तो यहाँ माइनस पाई ये लिख सकता हूँ, या सेकेंड में मैं लिख सकता हूँ एक्स का पावर 35 माइनस अंडर रूट 7, या मैं लिख सकता हूँ 8/2 या 8/2 प्लस एक्स टू द पावर 35। यहाँ वेरिएबल्स को आप चेंज कर दो, और भी लिख सकते हो आप लोग, जैसे 224 प्लस जेड टू द पावर 35। तो ये बाइनोमियल्स के बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे जिसका डिग्री 35 हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जिसका डिग्री 100 हो, इसका मोनोमियल्स लिखना है। मोनोमियल्स तो मोनोमियल्स आप लोग लिख सकते हो ए टू द पावर 100 फर्स्ट में, या ऐसे लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 × a^100, या लिख सकते हो आप लोग 100 × b^100। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारा आप एग्जांपल ले सकते हो, खुद से आप लोग लिखो क्योंकि बेसिक चीज़ तो सिखाया हुआ है। तो थर्ड सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। सवाल नंबर 4 में कहा गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब कि आप सभी को यहाँ पे चार एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस चार एक्सप्रेशन में सभी एक्सप्रेशन का आपको डिग्री लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन आप लोग देखो हमारा 5x³ + 4x² + 7x, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री वही होता है एक्सप्रेशन का जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना है, तो x³ है, तो इसका जो डिग्री होगा वो आप लोग कह सकते हो कि 3 होगा। ऐसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन में देखो 4 − y², यहाँ तो एक ही वेरिएबल्स है और इसका जो हमारा पावर है वो है 2, तो इसे इसका डिग्री जो होगा वो होगा 2। इसे आप लोग खुद से करके देखो, ये है 5t − √7, यानी कि वेरिएबल्स कितना है, तो एक है जो t है और t का जो पावर है वहाँ ये 1 है, तो इसका जो होगा हमारा डिग्री वो बताओ क्या होगा, 1 होगा, और ये 3, इसमें तो कोई वेरिएबल्स है ही नहीं, और जब वेरिएबल्स नहीं है तो फिर डिग्री कहाँ से आएगा, इसका एक्सपोनेंट कहाँ से आएगा, इसीलिए इसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा। तो ये चार एक्सप्रेशन दिए गए थे और चारों एक्सप्रेशन का डिग्री पूछा गया था, तो ये 3, 2, 1, 0 इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट सवाल है, तो चलिए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि यहाँ पर टोटल 7 एक्सप्रेशन दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स का, और ये 7 एक्सप्रेशन में आपको छांटना है कि कौन सा एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, एंड कौन सा एक्सप्रेशन आपका क्यूबिक है। तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में पढ़ाया था कि पावर के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में बांटा गया था, जो कि एक है लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। तो लीनियर का बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले लीनियर कौन सा एक्सप्रेशन है, तो लीनियर में पावर 1 होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन में हमेशा वेरिएबल्स का पावर 1 होते हैं। तो ये 7 में आप देखिए कौन कौन से एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 का नहीं है, 1 का मैक्सिमम पावर 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, ये 4 का मैक्सिमम पावर देखिए आप लोग 1 है, 4 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 हमारा लीनियर है, 4 हमारा लीनियर है। उसी प्रकार हम 3t यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर हमारा 1 है, तो यह भी हमारा लीनियर है, ये r2 मतलब ये क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो ये टोटल 7 में से 4th एक्सप्रेशन एंड 5th एक्सप्रेशन लीनियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक ढूंढते हैं, तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए एक्सप्रेशन का वो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, इसे मैं क्यू लिख देता हूँ,
तो ये क्वाड्रेटिक, इसका पावर 3 है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर इसका 2 है। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन को, सिक्स एक्सप्रेशन, यह भी हमारा क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है। अब हम लोग ये टोटल 7 में से 1, 3 एंड 4 हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया। अब बाकी के जो दो बचे हैं 2 एंड 7 नंबर पर जो एक्सप्रेशन है वो उसे हम लोग देखिए, तो उसमें देखिए आप लोग मैक्सिमम पावर 3 है, और जिस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर 3 हो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक कहलाता है, मैक्सिमम पावर अगर 3 हो तो वो क्यूबिक कहलाता है। तो ये हम लोग क्यूबिक कह सकते हैं क्या, ये है ही क्यूबिक, इसका भी मैक्सिमम पावर 3 है तो यह भी क्यूबिक है। बहुत ही इजी वे में हम लोग ये 7 एक्सप्रेशन को क्लासिफाई कर लिया कि कौन सा एक्सप्रेशन लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का सबसे लास्ट सवाल था, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, इसीलिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।